الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا هر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین نو خلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے انگند لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام رسول ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے حضرات اج دا اے عظیم الشان پروگرام برادر اصغر محترم جناب صاحبزادہ حافظ ولید بن طارق حافظہم اللہ دیگر دوست احباب نے بڑی محنت کوشش اور کاوش دے نال سجائے کچھ موسم دی خرابی دی وجہ تو یہ پروگرام بالکل کلوز جیا ہو گیا لیکن مقصد پروگرام دا کی ہوندا ہے کہ ساڈے نال اللہ راضی ہو جائے اور لوگاں دا آ کے دین اسلام سن کے جانا ساڈے واسطے نجات دا سبب بن تو انشاءاللہ دعا کرو جن جن بھائیاں محنت کوشش کاوش فرمائی ہے اس پروگرام واسطے کسے طریقے دے نال بھی اس پروگرام دے نال تعلق بنایا ہے اللہ میں مسافر بندہ ہاں اللہ میں دعا گو ہاں اللہ جویں اج اس مسجد اندر اسی اکٹھے ہیں اللہ جنت اندر بھی اس طرح اکٹھے فرما آمین کہہ چھڈو بڑے سست جی ہو کے بیٹھے ہو ٹھیک ہے موسم سرد ہو گیا ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے پر ایڈے بھی سست نہ ہو کے بوو ٹھنڈے نہ ہو کے بوو انشاءاللہ بدی نو ستے خیراں نے میرے تو پہلو میرے برادر اکبر محترم حافظ عرفان صاحب نے بہت ہی عالمانہ گفتگو فرمائی ہے میں چاہ رہا سا گفتگو اور فرمان لیکن انہوں نے وقت دی نزاکت نو ویندیاں ہوئے اپنی گفتگو نو بہت کلوز فرمایا ہے بہت
अहम इशारियां दी तरफ, अहम बातां दी तरफ उन्हां तवज्जो दिलाईए, जिदे अंदरों एक आजजी इनकसारी दा ओ बात कर रहे सन कि मैं जिहड़ी ना इहनूं मुका छड़ो ते मैनूं एक बाबे बुल्ले शाह दा ना शेर पिया हुंदा सी याद कि बाबे बुल्ले शाह कहा सी फुल्लां दा तू इत्र बना ते इतरां दा फिर कढ दरिया ओदे विच तू रज के ना ते मछलियां वांगू गोते खा फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहलो अपनी मैं मुका। तो हजरात ए ते बहरहाल वह बातां सन जिहड़ियां मेरे बरादर अकबर कर चुके ने, तो मेरे तो बाद भी इंशाअल्लाह बहुत जानदार आलिमाना फाजिलाना खिताब होने वाला है। मेरे जिम्मे मेरे भाई ने कुछ नसीहतां करन दी ड्यूटी लगाई सी कि तलबा नूं जवानां नूं कोई इक अद्धी नसीहत करनी है, और अज दे तुहाडे इस प्रोग्राम अंदर बड़ी दूर तो सफ़र करके मेरे मोहतरम जनाब राणा अब्दुल वाजिद साहब बिहमदिल्लाह ताला तशरीफ फरमा ने, मेहमान ने तशरीफ फरमा ने, तो मैं गुजारिश करूँगा अगे तशरीफ लै आओ, बड़ी पिछे बैठे आ जाओ, जजाक अल्लाह इतने मेरे कोल आ जाओ ना, मैं भी दूरों आया तुसी भी दूरों आए हो, हाफिज़ इरफान साहब के कोल दो चार लम्हे गुजार लीए फिर सब रब के हवाले, क्यों भी इंशाअल्लाह ए मैं चंद नसीहतां फिर तुहानू करनियां ने, एक दो बात समझ के ना ते गल मुका देने आ, थोड़े थोड़े अगे हो जाओ ताकि जिहड़े पिछों साथी आ रहे ने उन्हां नूं मसला ना बने, जजाक अल्लाह, थोड़ी थोड़ी जहमत फरमा, ए इधर आओ सा थोड़े थोड़े भाई, ए वो इधर किन्नी जगह, अगे पानी कोई नहीं मैं बैठा वहां, थोड़े थोड़े अगे आ जाओ इंशाअल्लाह रब दे सहारे हो के बबो कोई मसला नहीं आ जाओ अगे। तो हजरात मैं जो कुरान पाक दा तुसां अहबाब दे सामने मुकाम पढ़िया, इस मुकाम अंदर ना अल्लाह पाक ने सब तो पहली बात अपनी तौहीद दी फरमाई, क्योंकि तौहीद दा मसला बड़ा अहम मसला है, हर गुनाह दा छुटकारा क़यामत वाले दिन रब ने कर छड़ना है, लेकिन शिरक ऐसा गुनाह है अगर एदी तलाफी नहीं हुई, माफी नहीं मंगी गई, एदी कोई छुट्टी नहीं होनी, यानी कि बड़ा अहम मसला जेड़ा तौहीद है ना, अल्लाह पाक ने सब तो पहले वो बयान फरमाया, और तौहीद दे फौरन बाद जिस बात का अल्लाह जिक्र फरमाया है ना, फरमाया वा बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन नाल हुस्ने सलूक करना है, इज्जत करनी है, एहतराम करनी है। मैं इत्थे एक दो बात समझानी है, जे तुसी मेरी तरफ तवज्जो रखो ना इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। इस तो अगे ना ये दो बातां करन तो बाद अल्लाह ने कुरान अंदर हज दा, नमाज दा, जकात दा, हुस्ने सलूक दा, अच्छियां बातां दा, यतीमां मस्कीनां नाल हुस्ने सलूक करन दा जिक्र फरमाया, लेकिन इहदे तो बाद अंदर हालांकि नमाज पढ़ना कोई छोटा अमल नहीं, हज करना, जकात देना, फिर उस तो बाद यतीमां मस्कीनां नाल नेकी करना कोई छोटी बात नहीं, छोटा अमल नहीं, लेकिन अल्लाह ने बाद अंदर जिक्र फरमा के ना इस बात का ऐलान फरमा छड़े, नमाजा पढ़ना ते पढ़ी जा, रोजे रखना ते रखी जा, हज करना ते करी जा, जकाता देना ते देई जा, हर साल उमरे ते जाना ते जाई जा, लोकां दे अंदर अनाज तकसीम करना ते करी जा, हुस्ने सलूक यतीमा मस्कीना नाल करना ते करी जा, लेकिन जे तू अपने बुढ़े बाप का ना फरमान है, बुढ़ी मां का ना फरमान है, मैं रब नू तेरी कोई भी चीज बता, कोई अमल तेरा कबूल नहीं। तो हजरात अगर चाहते हो नमाजा रोजे जकाता हज नेक अमल रफायामा दे कम कीते यतीमा मस्कीना नल कीता या हुस्ने सलूक तुहाडा नेकी बन के कबूल हो जाए, एदे वास्ते शर्त वे वा बिल वाले दैन एहसाना, वाले दैन नल नेकी करनी और हुस्ने सलूक करना। तो हजरात आइए चंद मिनटा अंदर मैं अपनी बात नू खत्म करनी चाहना, अल्लाह पाक दे ना इस कुरान दे मुकाम ते जरा गौर करे आजे, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीने पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे ने, फरमाया वा इज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वा बिल वालिदैन एहसाना वा ज़िल क़ुरबा वल
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة। कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने बड़िया बड़िया नेकियां दा जिक्र फरमाया है। अल्लाह पाक ने बड़े बड़े अमाल दा जिक्र फरमाया है। सब तो पहलो कायनात दे रब ने अपनी तौहीद मनवाई है कि मैं रब तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं जे, मैं अल्लाह दे इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं जे, मैं रब दे इलावा सजदा किसे नू नहीं करना है, मैं अल्लाह दे इलावा रुकू किसे अगे नहीं करना है, मैं रब तो इलावा अपनी मारू जात किसे अगे नहीं जे रखनी है। एदे तो फौरन बाद अल्लाह पाक ने जड़ी बात समझाई है, फरमाया वा बिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करना है। ओए नौजवानों मेरे बच्चो जरा गल तवज्जो नाल सुनिया जे, हजरत हाफिज इरफान साहब एक बात समझानी जा रहा है। अक्सर तुसी भी तुलाबा नू खिताब फरमांदे हो, तुसी तुलाबा ना हम कलाम हुंदे हो, वणवंदे तुलाबा नाल तलक बणदा है। हजरात मेरे तेरे माशरे अंदर मां नू बड़ा उच्चा ले जाया गया है, बाप विचारे दी कदर नहीं, बाप नाल लड़ाइयां, बाप नाल झगड़े मिलणगे, बाप नाल कचहरियां कोर्टां अंदर मुकदमे मिलणगे, बाप दे नाल थाने अंदर परचे मिलणगे। हजरात यार क्यों बाप नाल लड़ाइयां ने, क्यों बाप नाल नाराज है? आ मैं आज दी मुलाकात अंदर तेनू दसण आया वां, खुदा दी कसम बाप अल्लाह ने कितनी अजीम हस्ती बनाई है, बाप नू अल्लाह ने किन्ना मुकाम अता फरमाया है, बाप नू अल्लाह ने किन्निया अजमतां ते शाना अता फरमाइया ने। एक सहाबी मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दे कोल आए ने, आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं नेकी करनी चाहना है, सोहणिया दसो मैं नेकी किदे नाल करा है? मेरे आका फरमांदे ने अपनी मां नाल कर, सोहणिया दूसरे नंबर ते नेकी करनी चाहना है। मेरे आका फरमांदे ने अपनी मां नाल कर, सोहणिया मैं तीसरे नंबर ते नेकी करनी चाहना है। फरमाया अपनी मां नाल कर, चौथे नंबर ते सोहणिया मैं नेकी किदे नाल करा है? फरमाया अपने बाप नाल कर। हजरात इस हदीस दा सा मतलब ए समझे है कि अल्लाह ने मां दियां इज्जतां बणाईयां, बाप नाल लड़ना है, बाप दी कोई कदर नहीं, बाप दा कोई एहतराम नहीं। अल्लाह ने मां नू तीन दर्जे दे छड़े ने, ना मेरिया वीरा मैं अज तेनू इस हदीस दा सही माना समझावां। मुफस्सरीन मुअर्रखीन ने लिखिया है मां नू जड़े तीन रब ने दर्जे दिते ने, तीन वजूहात तो दिते ने, तीन वजह ऐसिया ने जिदी वजह तो अल्लाह ने तीन दर्जे मां नू दिते ने। सब तो पहली वजह ए वे के मां अपने रहम अंदर नौ मां तक उठा के तकलीफां बर्दाश्त कर दिए। मां जदो तू पेट अंदर है, मां खाने पीने दी एहतियात कर दिए, मां गर्मी ते सर्दी दी एहतियात कर दिए। हजरात बड़ा मुश्किल मरहला मां ओ गुजार दिए, नौ मां गुजरन तो बाद जदो तेरी वलादत दा वक्त हुंदा है, एक दर्जा रब ने इस वजह तो मां नू ज्यादा दिता है, जेड़ा दूसरा दर्जा दिता अल्लाह पाक ने मां नू। जदो तेरी वलादत दा वक्त आंदा है ते मां नू जेड़ी दर्द जे छड़ दिए, हजरात मां मौत दा मंजर वेंदी है, उस दर्द जे छिड़न दी वजह तो दूसरा मुकाम मां नू मिलिया है, जेड़ा तीसरा मुकाम नबी अली सलाम ने मां दी दसिया है। नबी अली सलातो व सलाम ने तीसरा मुकाम मां दा दसिया है। हजरात इस वजह तो दसिया के बच्चे दी पदाइश दे बाद दो साल मुकम्मल मां अपने बच्चे नू दुध पिलांदी है, ये बहुत बड़ा एहसान है अपने बच्चे ते बहुत बड़ी नेकी है। इस वजह तो तीसरा दर्जा रब ने मां नू दिता है। हुण बाप दी वारी आई है, एदा मतलब ए नहीं बाप दा एक दर्जा ते दी इज्जत कोई नहीं है। याद रखी मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दे फरमान, रब दा कुरान पढ़ के वेख लवी सोहणिया मेरे रब ने, किते भी पूरे
कुरान अंदर वाहद दा सीगा इस्तेमाल नहीं फरमाया। उलमा तशरीफ फरमाने मेरे रब ने जिथे भी बादशाह फरमाइए फरमाया वाबिल वाले दई ने हसाना। मेरे रब ने जिथे भी जिक्र फरमाया दोनों का जिक्र फरमाया कि मां की भी इज्जत करनी है ते बाप का भी एहतराम करना है। मेरे रब किते वाहद दा सीगा इस्तेमाल नहीं फरमाया। ओए नौजवानों मैं तिरमजी की हदीस पढ़ दिया आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे आका फरमांदे ने ओए कायनात दे लोगो मां दे पैरां थले जन्नत ते बाप इस जन्नत दा मेन गेट है बाप इस जन्नत दा मेन दरवाजा है। ओए सोहणिया एक खूबसूरत महल ते बंगला बना दिता जाए ओदे अंदर संगे मरमर तक लगा दिता जाए। ईमान नाल दस जे दरवाजा नहीं होएगा की फायदा उस बंद कोठड़ी दा। ए सोनिया मां दियां खिदमतां कर कर के जन्नत लई जावे ते अपे विचरे नूं जाने कोई ना। बाप नाल थाने कचहरियां कोटां अंदर मुकदमे पया लड़ना याद रखिए बाप उस जन्नत दा मेन गेट ते मेन दरवाजा है। आइए मैं दूसरी रवायत सुनानी चाहना है। मैं मुख्तसर दे वक्त अंदर ज्यादा हदीसां सुना के इजाजत चाहवा। हजरात मैं दूसरी हदीस नबी पाक दी सुनावा। आमीना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने कायनात वाले ओ बाप दी रजा अंदर रब दी रजा है जिदा जमीन ते बाप राजी है ओदा अर्श वाला रब भी राजी है। एदा दूसरा पासा इंज वेखिया जे जिदा जमीन ते बाप नाराज राजे ओदा अर्श वाला रब भी नाराजे ओदा अर्शा वाला खुदा भी नाराजे। हजरात इस बाप दी कदर कर ले। अज अगर तेनू महल्ले अंदर पिंड अंदर इलाके अंदर कोई जानदा है ते तेरे बाप दी वजह तो ए सोनिया जे नहीं ना समझे आ मैं तेनू समझाना चाहना वा। खुदा दी कसम ओना वाल वेख लै जेड़े बगैर हलाली बाप दे इस दुनिया ते आए ने दस उन्हां दियां की कदरां ने लोग उन्हां नूं की कह के पुकार देने। अल्लाह दिया बंदिया तैनू पता नहीं नबी अली सलातो सलाम ने की फरमाया है। आमीना दे लाल फरमांदे ने जिस बंदे दे सर ते दाढ़ी दे वाल सफेद हो गए जदों बंदा वडेरा हो जांदा है सिर ते दाढ़ी दे वाल सफेद हो जांदे ने। मेरे आका फरमांदे ने इस चिट्टे वाला नाल रब दे सामने जेड़ी भी अरज करे रब आंदा जे चिट्टे वाला वाले नूं मोड़ा मैं रब नूं बड़ियां शर्मा आउंदियां ने मैं रब नूं चंगा नहीं लगदा मैं चिट्टे वाला वाले नूं खाली मोड़ दिया। हजरात आइए मैं तीसरी हदीस नबी अली सलाम दी सुनावा। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात तीसरी हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा बाप जेड़ा बाप और हजरात मैं थिक बात समझानी चाह रहा है। मैं शरीयत दे औराक दे बाप दे मुतलक पढ़िया मां दे मुतलक मैनू अजे रवायत नहीं मिली। आओ बड़ी कमाल रवायत सुनावा। इमामे कायनात दियां प्यारियां बातां सोने नबी दियां सोनिया बातां मिठड़े नबी दियां मिठड़ियां बातां सुनावा ते तेरा ईमान भी ताजा कर दिया। सोहना मन नमोना उतों गल्लां ने मिठियां जिन्ना मन लिया ओना जानवर सिटियां सोहना मन नमोना
सोहना मन नमोना उतों गल्लां ने मिठियां जिन्ना मन लिया ओना जानवर सिटियां साडे यारो उते जाके गम मुक जानगे साडे यारो उते जाके गम मुक जानगे साडे जे दीवाने जद मदीने विच जानगे शहर ओदे विच जाके सावा जद मुकियां जिन्ना मन लिया ओना जानवर सिटियां और जिमें हुंदे चमन विच फुल कली इक ने जिमें हुंदे चमन विच फुल कली इक ने अबू बकर उमर उस्मान अली इक ने एवें यारा इन्ना विच एवें यारा इन्ना विच पाइयां ने विथियां जिन्ना मन लिया ओना जानवर सिटियां इमामे कना जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात मैं तीसरी हदीस सुना दें इमामे कायनात अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने साहबियो ए बाप तेरा ऐसा वली है अज मस्जिद अंदर आके आना है हाफिज़ साहब दुआ फरमा दियो हजरत हाफिज़ इरफान साहब दुआ कर दियो मेरे एग्जाम नेड़े ने पेपर नेड़े ने रिजल्ट आने वाला है मैं कारोबार का आगाज किया है मैं फलां काम दा आगाज कीता दुआ फरमा दियो हजरात अजुलामा कुलवा के दुआवां करवांदियो अज शियो कुलवा के दुआवां करवांदियो आ मैं पैगंबर दी तैनू हदीस सुना दियां इमामे कायनात अली सलाम फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने लोगो जिस बंदे दा बाप सारत दुनिया ते अजे जिंदा है अपने बाप कोलो जाके दुआवां करवा ले ए मुर्शिद पाक दी हदीसे मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने बाप अपनी औलाद दे हक अंदर हाथ उठा के कायनात दे रब दे सामने दुआवां कर देवे हजरत आमीना दलाल फरमांदे ने के बाप औलाद दे हक अंदर जेड़ी भी दुआ करे कायनात दा रब कदे राजी नहीं जे करदा हजरात कायनात दा रब कदे रद्द नहीं करदा हजरात जे तेरा बाप गुनाहगार है पापी जिवें दा यार तेरा बाप है इने तेनू पैदा कीता है इदे नाल तेरी निस्बत है ए सोणिया दुआवां करवाया कर अपने अब्बू कोलों दुआवां लिया कर अपने अब्बू कोलों हजरात मैं ए हदीस अंदर बाप दे मुतलक पढ़िया है कि बाप जिहड़ी दुआ कर देवे औलाद दे हक अंदर अल्लाह कबूल फरमा लेंदे ने और हजरात अगे जरा गल सुनिया जे आइए मैं नबी पाक दी बेशत तो थोड़ा जिन्ना तेनू पिछे लैके जावां हजरात कुरान इस बात दा गवाह है ओ मियां जिन्ने बाप दा अदब कीता रब ने कयामत तक ओदे अमल नू सुन्नत बनाया है जिन्ने बाप दियां नाफरमानियां कीतियां ने रब ने दुनिया ते ओनू जनाबे वाला जलील कीता है आइए नू पैगंबर अलैहि सलाम रब दा कुरान इस बात दा शाहिद है नू नबी अलैहि सलातो वसलाम ने हजरात बेटा बागी हो गया बेटे नू आंदे ने ओ बेटे आ मैं रब दा नबी हां मैं अल्लाह दा रसूल हां रब दा पैगंबर हां बेटा ना फरमान बागी हो गया हजरात बेटा जेड़ा बाप दे उत्ते ईमान नहीं ले आ रहा मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम हजरात नू नबी अलैहि सलाम अल्लाह अगे दुआवां पे कर देने लेकिन बाप बेटा ना फरमानियां करी जा रहे है हजरात इधर अल्लाह दी तरफो आर्डर आए ने नू पैगंबर तुसी इथों चले जाओ बेड़ा बना लो अपने फरमादार बिठा लो असी इन्हां उते अज़ाब लियाउण लगे हां हजरात नू नबी अलैहि सलातो वसलाम ने बेड़ा बनाया कश्ती तैयार फरमाई है इहदे अंदर जितने इन्हां दे ताबेदार ने
बिठाए ने। अल्लाह पाक ने जिवें हुक्म फरमाया जिस जिस चीज का नूह पैगंबर बिठा लेंदे ने। हजरत बाप दियां ना फरमानियां करन वाला बेटा है नूह पैगंबर दा। ओए लोगो पैगंबर दा बेटा भी ना फरमानी करे तेरा रब नूं बर्दाश्त कोई नहीं। हजरत नूह पैगंबर दा बेटा बागी हो गया। अल्लाह पाक ने जूदे ए पहाड़ां ते चढ़ गया, बुलंदियां ते चढ़ के अपने आप नूं महफूज समझण लगदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दे सीने पाक ते हजरत नाज़िल होण वाला कुरान गवाह है। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम हजरत नूह नबी दे बेटे नूं अल्लाह दी तरफों पानी दा अज़ाब आया ते ना फरमान गोते खा के मरे आए। हजरत अज सब नूं पता है और क़यामत तक दे आउण वालियां वास्ते अल्लाह पाक ने ए जनाबे वाला सबक दे छड़े है। जड़ा बाप दी ना फरमानी करेगा, जड़ा बाप दियां बेअदबियां करेगा, मैं अंजीर गोते दे के मारांगा। हजरत बाप दा अदब जड़ा करदा है, जड़ा बाप दा एहतराम करदा है, जड़ा बाप दे नाल अच्छा सलूक करदा है, ओ यार कदी सोचिया ते करना कदी। ओए पंज पंज वीरां किते छे छे सत सत अठ अठ वीर ने, लेकिन खुदा दी कसम एक अबू दा खाना बारी है। कदी वारियां बनिया अठ दिन तू लै जा, अठ दिन तू लै जा, अठ दिन तू लै जा। कोई आंदा इस महीने तनख्वाह मिली कोई नहीं, मेरे हालात कमजोर, अठ दिन ज्यादा तू रख लै। हजरत बाप दियां वारियां बनिया ने। ओए नौजवाना याद याद ते करना, मेरे पै जनाबे वाला बाप ने किन्ने एहसान तेरे ते कीते ने। यार एक बाप ने तेरी जवानी वेखन दी खातर अपनी जवानी कुर्बान कर दिती है। बाप ने अपनी जवानी रात दियां ठिठर दियां रातां ते सखत गर्मियां बर्दाश्त करके तेनू जवान कीता है। तेरियां जवानियां वेखन वास्ते एक बाप ने सारी जिंदगी सर्व कर छड़ी है। सोणिया जे तू ही बाप दा सारा नहीं बनेगा, जे तू ही बुढ़े बाप तू नहीं संभालेगा, दस ते सही ना वडेरा बाप किदे सारे ते जिंदगी गुजारेगा। हजरात जेड़े मां बाप दा अदब करदे ने, अबू दा एहतराम करदे ने, अबू नाल प्यार करदे ने, अबू दा अदब करदे दुआवां लैंदे, अबू दी हां दे नाल हां मिलांदे ने। आइए कुरान गवाह अल्लाह किवें इज्जतां दे छड़दा। हजरात आइए इब्राहिम पैगंबर ने, इस्माइल नबी है, हजरत बाप भी नबी, उमियां बेटा भी नबी है। हजरत इब्राहिम पैगंबर खाब पवेंदे ने, मैं अपने बेटे इस्माइल नूं ज़बह पिया करना। ओए कायनात दे लोगो जरा तसव्वुरा दी जिंदगी अंदर जा के सोची ते सही ना, जिस बंदे दी सारी जिंदगी दी कमाई इको पुत्र होवे ना, जिन्हों सारी जिंदगी पिछों एक पुत्र मिलिया होवे, तरसेवें दा पुत्र मिलिया होवे, उदियां कदरां ते ओही जानदा है। हजरत इब्राहिम पैगंबर अलैहि सलाम ने अल्लाह दी तरफों आर्डर आ गए, अल्लाह दी तरफों हुक्म आ गया, इब्राहिम पैगंबर जी मैं सी तुहाडे पुत्र इस्माइल दी कुर्बानी चाहने आ, साडे रस्ते अंदर इस्माइल नूं कुर्बान कर दिओ। हजरत बाप ने अपने पुत्र नूं बुलाया है, आंदे ने इस्माइल बेटे आ, ओ मेरा पुत्र अल्लाह दी तरफों आर्डर आया कि तैनूं अल्लाह दे रस्ते अंदर ज़बह कर दिया, मैं तेरियां कुर्बानियां दे दिया। हजरत नबी दा तरबियत याफ्ता बेटा नबी है, बड़ा अदब करन वाला, अबू दा बड़ा एहतराम करन वाला है। ओए नौजवानो बच्चो यार इधर मेरी तरफ वेखो, खुदा रा चंद मिनट मेरी तरफ वेखिया जे। हजरत बाप दा बड़ा अदब करन वाला, बाप दा बड़ा एहतराम करन वाला इस्माइल पैगंबर, जदों इब्राहिम आंदे ने बेटिया मैं तेनू कुर्बान पया करना वा, आंदे ने अबू अब
ਅੱਬੂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਰਬੀਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਖਾਬ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਆ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਨਾ ਇਹਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਬੇਟਾ ਨਬੀ ਬੇਟਾ ਏ ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਕੱਟ, ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਡਬੋ ਦੇਣਾ, ਛੁਰੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਲਿਟਾਇਆ ਏ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਪਰ ਕੱਟਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਛੁਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ। ਓਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੰਬਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਅਦਾ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਅਦਬ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੰਬਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਤ ਦੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਸੁਨਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਜ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਆਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਪ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹਸਤੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਲੈ ਵੀਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛ। ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ ਪਰ ਅੱਬੂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਈਏ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਣਾ ਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਕਸੀਰ ਕੁਤਬੇ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਓਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬੱਚਿਓ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਪਾਲਣਾ ਏ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਬਚਪਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਪ ਨੂੰ
खर्चियां ते ना पाल अबू नू महाना खर्चे ना दे जिन्ना देर बाप जिंदाई खुदा राय दी कदर कर ले खुदा राय सु बाप नाल मोहब्बत कर ले दी सुनावा मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ फरमाए एक सहाबी रसूल आंदे ने एक नौजवान आए आके मेरे पाक पैगंबर दी खिदमत अंदर हाजिर हुंदा है ते तू गल सुन के हैरान रह जाएगा आके शिकायत मेरे पाक पैगंबर दी सुप्रीम कोर्ट अंदर कीती है आके आंदा कायनात दे सरदारा अल्लाह दे नबी मेरा बाप मैं बड़िया मेहनता मुशक्कतां मजदूरियां करके कमा के पैसे लेना वा मेरा अबू बगैर मेरी इजाजत तो बगैर मेरे पुछम तो जिथे दिल करदा सर्व करी जांदा है मेरा अबू जिथे दिल करदा इस्तेमाल करी जांदा है मेरा अल्लाह दे नबी मेरा बाप मैनू पुछदा कोई नहीं हजरत आमीना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने आका फरमांदे ने साबियो यारो जाओ इस नौजवान दे अबू नू लेके आओ ना इस नौजवान दे बाप नू ले आओ हजरत सहाबी रसूल चले जांदे ने जाके आंदे ने बाबा जी तुहाडे बेटे ने तुहाडे लखते जिगर पुत्र ने तुहाडियां शिकायतां कर दित्तियां ने बाबा जी तुहाडी सुप्रीम कोर्ट अंदर रिट दाय होई है बाबा जी तुहाडे खिलाफ नबी पाक दी अदालत अंदर केस आया है नबी पाक बुला रहे ने हजरत इमामे कायनात दी मेरे पाक पैगंबर दा पैगाम सुन के बाबा जी टुर पे लेकिन इस बाबा जी ने दिल दिल अंदर अपने दिल दिल अंदर कुछ गल्लां कीतियां ने यारा विंदे ओ दुखी बाबे अपने आप नाल गल्लां करिया करदे ने ऐ जिहड़े दुखी बंदे परेशान बंदे होया करदे ने ए चलदे फिरदे रस्तियां तो लंघदे ने अपने आप नाल गल्लां करदे ने बाज़ दफा बंदा करीब तो गुजरे इंज लगदा जिवें मैनू कुछ आखिया है लेकिन नहीं नहीं ओ अपने आप नाल गल्लां कर रहे हुंदे ने हज़रत इस बाबा जी ने अपने आप नाल कुछ बातां दिल दिल अंदर कर छड़ियां ने कुछ जुमले कह दिते ने अल्लाह पाक ने जुमले जिब्राइल दे जरिए नबी पाक तक पहुंचाए ने हज़रत इमामे कायनात अलैहि सलातो वसलाम दी अदालत ए बाबा जी लगे आंदे ने ए दिल दिल अंदर गल्लां करी जांदे ते पैगंबर अलैहि सलाम दे कोल आई जा रहे ने हज़रत जदों नबी पाक दे कोल पहुंचे ना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम बजाए इस दे कारवाई दा आगाज़ कर दे मेरे आका दे कोलो जड़ी जनाबे वाला इहदे खिलाफ शिकायत आई है मेरे आका उहदे बारे पुछ दे नौजवाना मेरी गल सुनी ना इमामे कायनात फरमांदे ने बाबा जी जड़ियां रस्ते अंदर दिल दिल अंदर गल्लां करके आए हो जरा ओ गल्लां ते सुनाओ केड़ियां गल्लां करके आए हो बाबा जी सुनिया ते परेशान हो गए बाबा जी सुनिया हैरान रह गए आंदे ने सुनिया मैं तेरी सदाकत तो कुर्बान जावा सच्चा नबिया जड़ियां गल्लां मेरे कन्ना ने नहीं सुनिया रब ने तुहानू दस दित्तियां ने हज़रत इमामे कायनात फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने बाबा जी चलो गल्लां सुनाओ केड़ियां गल्लां रस्ते अंदर दिल दिल दे अंदर केड़ियां गल्लां करके आए हो ये बाबा जी बोल के आंदे ने सुने हो मैं दिल दिल अंदर सोचदा सां बेटिया ओ मेरा पुत्र यार ओ भी वक्त पे ओ भी वक्त याद कर जदो तेनू चलना नहीं सी आउंदा जदो तू चल फिर न सह सकदा बोल के कुछ मंग नहीं सह सकदा तेरे ना बोलन दे बावजूद भी तेरे अबू नू तेरी हर चीज दी फिक्र होया करदी सी तेरे बाप नू पता हुंदा सी अज मेरे बेटे नू केड़ी चीज चाहीदी है मेरे पुत्र नू केड़ी चीज दी जरूरत है मेरे बेटे दे अखराजात की ने सुनियो मैं दिल अंदर पया सोचदा सां बेटे है यार मैं ठिठर दियां रातां अंदर ते पहाड़ां दी तपश सख्त गर्मियां अंदर मजदूरियां करके तेनू पाले आए ओ बेटे अज तेनू जवानी चढ़ाया है मैं एक एक पाई जमा करके एक एक लुकमा जमा करके बेटिया तेनू जवान कीता है अज मेरा सहारा बनना ही बेटिया मेरा ते तेरे तो सवा सारा भी कोई नहीं ओए पुत्र
अज मेरा सहारा बनन दी वारी आई है। बेटिया शकैतां लैके टुर गया है, दस ते सही मेरा तेरे तो बगैर कौन है। हज़रत इमामे कायनात ने जदों बाबा जी दियां बातां सुनिया न, बाबा जी दियां बातां सुन के इमामे कायनात दियां अखां मुबारक विचों मुबारक अथरू डिगे ने। मेरे पाक पैगंबर इस नौजवान नूं फड़िया, मेरे आका ने पकड़ के चंगी तरह चंजोड़िया। मेरे पाक पैगंबर नूं चंजोड़ के फरमांदे ने, नौजवाना सुन लै, अंता व मालुका, अंता व मालुका लियबी का। ए सोहणिया गल सुन लै, तू वी ते तेरा माल वी सारा कुछ ही तेरे बाप दा है। तेरा बाप जदों चावे जिथे चावे तेरे बगैर पुछियो खर्च कर सकदा, तू बाप नु सवाल नहीं कर सकदा, तू बाप नु सवाल नहीं कर सकदा। अहलन व सहलन मरहबा मोहतरम जनाब शहबाज रबानी हाफिज़हुमुल्लाह, अजीम खतीब बुलबले चमनस्तान हर दिल अजीज खतीब, इंशाल्लाह तशरीफ ले आए ने, वो आ गए ने, असी जा रहे हैं उन्होंने हवाले तुहानू करके। मैं नहीं चाहता कि शेख मोहतरम दे खिताब और तुहाडे दरम्यान ज्यादा देर हायल रवा, उन्होंने सपुरद तुहानू जल्द करन लगा। बस एक दो बातें समाज फरमा लो, फिर इंशाल्लाह उन्हां दा आलिमाना खिताब होएगा। हजरात आइए, एक दो बात बस समाज फरमा लो ते गल बस खत्म कर देने हैं। इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम इस नौजवान नूं फरमांदे ने, ओए नौजवाना गल सुन लै, आमीना दे लाल फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, अंता व मालू काली अभी का। ए नौजवाना तू ही ते तेरा माल भी सारा कुछ ही तेरे बाप दे, तू बाप नू सवाल नहीं कर सकदा। तेरा बाप जदों चावे जिथे चावे तेरे बगैर पुछन तो खर्च कर सकदा है, तू अपने बाप नू नहीं पुछ सकदा। हज़रात आइए, अल्लाह दी कसम, ए बाप बड़ी अजीम हस्ती है, ए बाप बड़े अनमोल मोती ने। सोनिया जे एक बारी तुर जान ते फिर नहीं मिलिया कर दे, इन्हां कोलो दुआवां लिया कर, उलामा कोलो दुआवां करवाना, खुताबा कोलो दुआवां आके करवाना है। जेड़ा वली घर बैठा है ओहदे नाल मुकदमे ने, ओहदे नाल जिलक, जे अकनाजना जनाबे वाला कचहरियां दे ते सुप्रीम कोर्ट अंदर पे केस चलदे ने। आइए हजरात बात समाज कीजिए, आखिरी आखिरी बात आने, बाबलां वरगे प्यार दलासे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाबलां वरगे प्यार दलासे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सर ते धियां मौजां माण दियां, टुर जावण जद बाप ते बाबियां नहीं जान दियां। फिर अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ओ बाप मरण ते सारे हौसले टह जांदे, बाप मरण ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्तर धियां विच मुसीबतां पै जांदे, पुत्तर धियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अपनी ओ औलाद दी हर गल सह जांदे, अपनी ओ औलाद दी
हर गल सह जांदे हो रवि होइया दिल दिया दिल विच लै जांदे हो रवि होइया दिल दिया दिल विच लै जांदे किसे भी दुख तो बच्चिया कोलों भजदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं वाकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु व बिल वालिदैन एहसाना। हजरात कुरान पाक ने जिथे भी माँ बाप के अदब का तज़किरा फरमाया अल्लाह ने किते वाहद का सीगा इस्तेमाल नहीं फरमाया कि माँ की इज्जत है माँ का एहतराम है माँ का अदब है माँ को आसमानी पहुँचा दियो इनू कतल करी जाओ मारी जाओ लड़ी जाओ। और मैं एवं गल नहीं कर रहा है सोशल मीडिया हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया से ये बात सरगोधे के अंदर पिछले दिनों एक नौजवान ने अपने सगे बाप को कतल किया। हजरात उस तो बाद इलाके पसरूर के अंदर एक गाँव अंदर 10 किले 10 एकड़ पैली की वजह तो 4 भरावां अपने बाप को कतल किया। सुने पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम ने फरमाया माँ के पैरों थले जन्नत है तो ये बाप उस जन्नत का मेन गेट और मेन दरवाजा है। एदा भी उतना ही अदब है माँ का भी अदब है बाप का भी अदब है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सही माने अंदर किताब सुन्नत नू समझ के उदे मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो भी सही बात तेरी तौफीक नाल अल्लाह लोगों तक पहुँचाइए वो तेरे फजल और करम नाल है कोई कमी कोताही पेशी अल्लाह जे कोई तफसीर अंदर अल्लाह इराब अंदर हदीस दे अल्लाह किसी भी माने मफहूम अंदर अल्लाह कोई गलती कमी कोताही होइए वो मेरी और शैतान की तरफ है अल्लाह मुआफ़ फरमाना। आखिर दुआ यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।